नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है भास्कर बीरबल सिंह हिंदी साहित्य चैनल में। और दोस्तों, आज के अपने साहित्यकार हैं त्रिलोचन। त्रिलोचन की रचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। और नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों सब्सक्राइब कर लें तो ताकि बार बार मुझे भी ये नहीं बोलना पड़े और हमें एक मानसिक रूप से जो मनोबल आप प्रदान कर सकते हैं, सपोर्ट आप प्रदान कर सकते हैं, वो आप कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा भाई। हमारी मेहनत का तो यही फल हमें मिलता है कि आप सब्सक्राइब कर लेंगे, थोड़ा वॉच टाइम हो जाएगा, थोड़ा सब्सक्राइब बढ़ जाएंगे तो चैनल थोड़ी गति कर लेगा। तो यही तो सपोर्ट है दोस्तों, और वो दीजिए। चलिए बढ़ते हैं और त्रिलोचन की रचनाओं के बारे में पढ़ते हैं। त्रिलोचन का मूल नाम क्या था? त्रिलोचन का मूल नाम वासुदेव सिंह था। त्रिलोचन का मूल नाम था वो वासुदेव सिंह था। चलिए, त्रिलोचन का जन्म कब हुआ? सन 1917 में जिला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में त्रिलोचन का जन्म हुआ था। तो त्रिलोचन का जन्म सन 1917 में जिला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न अपना है, देशकाल, रोज नामचा, काव्य और अर्थबोध, मुक्तिबोध की कविताएं नामक रचनाओं के रचनाकार का नाम बताइए। देशकाल, रोज नामचा, काव्य और अर्थबोध, मुक्तिबोध की कविताएं नामक रचनाओं के रचनाकार। तो उत्तर तो आपको मालूम है। चलिए जी, त्रिलोचन की रचनाएं हैं ये। अगला है, त्रिलोचन के काव्य संग्रह के नाम बताइए। तो त्रिलोचन के काव्य संग्रह देखते हैं, धरती 1945 में इसका प्रकाशन हुआ, धरती काव्य संग्रह का। गुलाब और बुलबुल 1956 में इसका प्रकाशन हुआ, गुलाब और बुलबुल का। दिगंत 1957 में इसका प्रकाशन हुआ, यानी दिगंत का, गुलाब और बुलबुल का 1956, दिगंत का 1957। ताप के ताए हुए दिन 1980 में इस रचना का प्रकाशन हुआ। सभी काव्य संग्रह पढ़ रहे हैं दोस्तों। शब्द 1980 में ही शब्द का प्रकाशन हुआ। चलिए नेक्स्ट, उस जनपद का कवि हूँ 1981 में इसका प्रकाशन हुआ। अर्धान 1984 में प्रकाशन हुआ। तो मैं सौंपता हूँ 1985 में इसका प्रकाशन हुआ। मेरा घर, उनका काव्य संग्रह। चैती, काव्य संग्रह। अमोला, काव्य संग्रह। अनकहनी भी कुछ कहनी है, काव्य संग्रह। जीने की कला 2004 में प्रकाशन हुआ है। तो काफ़ी लंबी लिस्ट है, आराम से एक बार थोड़ा सा फास्ट तरीके से भी पढ़ लेते हैं। धरती 1945, गुलाब और बुलबुल 1956, दिगंत 1957, ताप के ताए हुए दिन 1980, शब्द 1980, उस जनपद का कवि 1981, अर्धान 1984, तुम्हें सौंपता हूँ 1985, मेरा घर, चैती, अमोला, अनकहनी भी कुछ कहनी है, जीने की कला 2004। त्रिलोचन की संपादित रचना का नाम बताइए। और ये मुक्तिबोध की कविताएं, ये संपादित रचना है त्रिलोचन की, जिसका हम ऊपर जिक्र करके आए हैं। चलिए नेक्स्ट, त्रिलोचन की डायरी विधा की रचना का नाम बताइए। दैनदिनी डायरी विधा की रचना का नाम है। दैनदिनी डायरी को ही कहते हैं दोस्तों। त्रिलोचन के कहानी संग्रह का नाम, त्रिलोचन का देशकाल है वो त्रिलोचन का कहानी संग्रह है, देशकाल है त्रिलोचन का कहानी संग्रह है। अगला है, त्रिलोचन को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो 1982 में ताप के ताए हुए दिन के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 1982 में ताप के ताए हुए दिन के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। चलिए जी नेक्स्ट प्रश्न, तो त्रिलोचन के बारे में आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और नई नई जानकारियों के साथ हाजिर होंगे।